कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 20वां दिन है। इस प्रदर्शन का असर 3 राज्यों की इकोनॉमी पर पड़ना शुरू हो गया है। एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ने दावा किया है कि किसानों के प्रदर्शन से हर दिन 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इससे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को नुकसान होगा। इन राज्यों की अर्थव्यवस्था इंटरकनेक्टेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात के एक दिन के दौरे पर पहुंचे। यहां कच्छ में उन्होंने समुद्री पानी को पीने के पानी में बदलने वाले प्लांट, देश की सबसे बड़ी सौर परियोजना और एक ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट का शिलान्यास किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस साल रिपब्लिक डे पर होने वाले समारोह के चीफ गेस्ट होंगे। उन्होंने इसके लिए भारत का न्योता स्वीकार कर लिया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राव ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मंगलवार को डेलीगेशन लेवल की बातचीत में यह जानकारी दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि आम आदमी पार्टी 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी। केजरीवाल ने योगी सरकार पर उत्तर प्रदेश को विकास की दौड़ में पीछे ले जाने पर आरोप लगाए। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया जाएगा। इसकी बजाय जनवरी में बजट सत्र के साथ ही शीतकालीन सत्र भी बुलाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सरकार ने यह फैसला कोरोना वायरस के चलते लिया है। विपक्षी दल जल्द शीतकालीन सत्र बुलाए जाने की मांग कर रहे थे। कर्नाटक विधानसभा परिषद में मंगलवार को गौरक्षा कानून को लेकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के कुछ विधान परिषद सदस्यों ने उपसभापति भोजेगौड़ा के आसन पर पहुंच गए। इन लोगों ने उपसभापति को खींचकर कुर्सी से नीचे उतार दिया और धक्का मुक्की की। इसके बाद कुछ विधान परिषद सदस्यों ने उन्हें कांग्रेस MLC से छुड़ाया। बाद में कांग्रेस के सभी MLC को सदन से बाहर निकाल दिया गया। कांग्रेस के MLC ने इन कानूनों के विरोध में नारेबाजी की। नेवी के सबमरीन एक्सपर्ट वाइस एडमिरल श्रीकांत का सोमवार रात कोरोना से निधन हो गया। वे प्रोजेक्ट सी बर्ड के डायरेक्टर जनरल थे और इससे पहले वह NDC के इंस्पेक्टर जनरल न्यूक्लियर सेफ्टी और कमांडेंट भी रह चुके हैं। इंडियन नेवी के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभिनेता अर्जुन रामपाल को दूसरी बार पूछताछ के लिए समन भेजा है। अर्जुन को 16 दिसंबर को सुबह 11 बजे तक मुंबई के एक्सचेंज बिल्डिंग स्थित NCB ऑफिस पहुंचना है। इससे पहले अभिनेता से 13 नवंबर को पूछताछ हुई थी। इस दिन अर्जुन से करीब 7 घंटे की पूछताछ हुई थी। कोरोना वायरस महामारी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर कोरोना मामलों की संख्या सबसे कम है। राजेश भूषण ने कहा कि कोरोना टीका लगने के बाद इसके प्रतिकूल प्रभाव की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं, जिसके लिए राज्यों को तैयार रहना चाहिए।